गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं हम, हाउ मेनी स्क्वेयर्स। तो इसमें हमने पेरीमीटर और एरिया के क्वेश्चंस किए हैं। आज आपको ये कुछ ब्लैंक्स फिल करने हैं, जैसे कि फर्स्ट ब्लैंक है, द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय ए फिगर इज कॉल्ड इट्स। मीन्स बेटा, वो फिगर जो एक सरफेस को कवर करती है, घेरती है, उसको क्या कहते हैं? वो जो सरफेस होता है वो क्या कहलाता है उस फिगर का? ओके, नेक्स्ट, द डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स। तो डिस्टेंस, एक क्लोज फिगर का जो चारों ओर का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इसी तरीके से स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर डैश शेप्स। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है वो किस तरीके की शेप्स हैं? क्लोज हैं, ओपन है, या दोनों तरीके की शेप्स हैं? नेक्स्ट है, द डैश इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन्स में बेटा वो होता है वो फिगर जिसकी कई सारी साइड्स होती हैं, जिसकी कई सारी साइड्स होती हैं उसे हम कहते हैं पॉलीगन्स। जैसे रेक्टेंगल, पेंटागन, हेप्टागन, ये सारे पॉलीगन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी साइड डज ए स्क्वायर हैव। तो जो एक स्क्वायर है उसके कितने साइड्स होती हैं, एंड हाउ मेनी साइड्स आर इक्वल, और कितने साइड्स उसके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेक्टेंगल हैव, यानी कि एक रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं, एंड हाउ मेनी साइड्स आर इक्वल, और कितनी साइड्स उसकी इक्वल होती हैं। इसी तरीके से ये एक वर्कशीट है बेटा, इसमें आपको स्क्वायर के थ्रू, ये आप देख रहे हैं ट्राइंगल्स, इनका एरिया आपको बताना है। इन स्क्वायर्स को काउंट करके आपको इनका एरिया निकालना है। जैसे फिगर ए का, ये ए का आंसर आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, बी का यहाँ लिखेंगे, सी का यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट ट्राइंगल इज, यानी कि उसके बाद आपको सबसे छोटे ट्राइंगल और सबसे बड़े ट्राइंगल का जो एरिया होगा उनका डिफरेंस बताना है। ओके, सो ये वर्क है बेटा, आप अपने कॉपी में साफ साफ करेंगे। ओके, गुड लक।